और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां धार्मिक नगरी रतनपुर पहुंचे राज्यपाल रमेन डेका। राज्यपाल रमेन डेका ने किए मां महामाया के दर्शन। मां के दर्शन के दौरान राज्यपाल की पत्नी भी थी साथ में, और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और प्रगति की कामना इस दौरान की गई। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां धार्मिक नगरी रतनपुर पहुंचे राज्यपाल रमेन डेका। राज्यपाल रमेन डेका ने मां महामाया के दर्शन किए हैं, और मां के दर्शन के दौरान राज्यपाल की पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और प्रगति की कामना करते हुए इस दौरान नजर आए। विदिशा नगर पालिका में पार्षदों के बीच जमकर बवाल देखने को मिला। दरअसल नगर पालिका में 12 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से कई प्रस्तावों पर विपक्षी पार्षदों की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई। इसी बीच नगर पालिका सीएमओ को बदलने की एक बार फिर मांग उठी। इसके साथ ही ये भी आरोप लगे कि बैठकों में पार्षद पति शामिल हो रहे हैं, जो कि गलत है। सभी महिला पार्षद बैठी थी, और विदिशा नगर परिषद में 27 महिला पार्षद हैं, और सारी आज बैठक में उपस्थित थी, और बैठक व्यवस्थित चल रही थी, और बैठक में मर्यादा, बैठक की मर्यादा भंग की गई है। कुछ हमारे पार्षद भाई हैं, कुछ पार्षद पति भी हैं, उन्होंने अपशब्द बोले आपस में, गाली गलौज की, जो महिलाओं के सामने, ये उचित नहीं था। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, और मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं के सामने अब सबको नहीं बोलना। भोपाल में विमुक्ति दिवस का आयोजन किया गया, और इस दौरान राजधानी के रविंद्र भवन में एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ भोपाल के सांसद आलोक शर्मा और एसपी सरकार में मंत्री कृष्णा गौर भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने विभागीय पोर्टल समर्थ की शुरुआत की। कार्यक्रम में बंजारा समाज की एक लोक कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के कुर्दी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने वीर सपूत उद्यान में नवनिर्मित 111 फीट ऊंचा तिरंगा ध्वज का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का भी अनावरण किया। इस दौरान रमन सिंह ने 3 केंद्रीय बैंक और विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया है। सूचना का अधिकार मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल जबलपुर के अधिवक्ता विशाल बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में एक आवेदन सूचना के अधिकार के तहत ऑनलाइन दाखिल किया था, जिसमें जबलपुर में हुए न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड में संभागायुक्त की कमेटी से कराई गई जाँच की रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई थी, लेकिन एक साल बाद भी उन्हें जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उसकी अपील का निराकरण इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में एक भी आयुक्त पदस्थ नहीं है, और पूरा आयोग 5 महीने से एक भी सूचना आयुक्त न होने से बंद पड़ा है। देखिए, हमने एक आवेदन पेश किया था सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, और मंत्रालय बल्लभ भवन स्वास्थ्य विभाग से एक जानकारी मांगी थी कि जबलपुर में जो न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में अग्निकांड की घटना हुई थी, उसमें राज्य शासन ने संभागायुक्त के माध्यम से एक समिति बना करके जाँच कराई थी, उसकी रिपोर्ट हमने मांगी थी। वस्तु स्थिति ये है कि माननीय राज्य सूचना आयोग में विगत 5 माह से सभी पद खाली पड़े हुए हैं, और राज्य शासन द्वारा उनमें सूचना आयुक्तों की और मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की नियुक्ति नहीं की जा रही है। इस कारण से लगभग 10 से 12 हज़ार अपीलें पेंडिंग। इस मामले में आज माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को नोटिस जारी किए हैं और उनसे जवाब मांगा है, और 3 सप्ताह में यह बताने को कहा है कि आखिरकार राज्य सूचना आयोग में 5 महीने से पद क्यों खाली पड़े हुए हैं और उनको कब भरा जाएगा, और इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर के लिए नियत है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के दफ्तर में इन दिनों ताले पड़े हैं क्योंकि आयोग में 10 पद स्वीकृत हैं। पिछले 3 वर्षों से सरकार कोशिश कर रही है कि इन पदों पर लोगों की नियुक्तियां की जाएं, लेकिन अभी तक भरे नहीं गए। परिणाम यह हुआ कि सभी सेवानिवृत्त होते गए और अब सूचना आयोग में सूचना देने वाला कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इस मामले को लेकर जबलपुर के एडवोकेट विशाल बघेल ने एक याचिका दायर की, जिस पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद सरकार को 3 हफ्तों का समय दिया है कि आखिर क्यों पद नहीं भरे जा रहे हैं।
हजारों की मात्रा में जो सूचना आयोग के पास आवेदन पेंडिंग हैं और कई आवेदन तो बहुत आवश्यक हैं। जैसे जबलपुर में लगी आग के बारे में विशाल बघेल ने सूचना चाही थी जो उन्हें आज तक नहीं मिली। अब सूचना आयोग 3 हफ्तों में जवाब देगा और अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। तब तक सरकार को कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। वीरेन शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। ग्वालियर के विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए एक रिश्वतखोर खनिज निरीक्षक को 4 साल की सजा सुनाई है। ये निरीक्षक वर्तमान में इंदौर में तैनात हैं। बताया जाता है कि 2018 में ईंट भट्टे की लीज नवीनीकरण के नाम पर 50,000 की रिश्वत लेते हुए खनिज निरीक्षक को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया था। इसी मामले में कोर्ट ने माइनिंग इंस्पेक्टर को 4 साल की सजा सुनाई है। उधर मुरैना में लोक परिसंपत्ति विभाग ने पुराना बस स्टैंड की भूमि का निरीक्षण कर जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों से गंभीर चर्चा की। इसे लेकर शहर में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। पहले बेची गई जमीन सहित पुराना बस स्टैंड की भूमि पर न्यायालय में स्वामित्व का दावा किया गया और इस भूमि पर स्वामित्व की आय दावे के बाद न्यायालय ने सभी खरीदारों को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब तलब किया। शहर की इस बेसकीमती भूमि को तेज गति से बिक्री किए जाने की गतिविधियों को लेकर शहर में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन और नगरीय निकाय के अधिकारी भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मुरैना बस डिपो परिसंपत्ति का इस निरीक्षण और अभी उसकी अद्यतन स्थिति संबंधित जी, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं कि पार डे का रजिस्ट्री भी हो चुकी है, निबंधन भी हो चुका है और जो भी डिसीजन है वो कोर्ट में चल रहा है, तो उसका अभी डिसीजन नहीं आया। देखिए दावा तो कोई कुछ भी कर सकता है, तो अभी वो जब तक निर्णय नहीं हो जाता उसको कुछ भी माना नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा किया। सीएम साय के निर्देश के बाद मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में रायगढ़ पुलिस ने गांजा तस्करों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही 72 लाख रुपये की संपत्ति जब्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सीएम साय को कहा था और इसके बाद मुख्यमंत्री एक्शन मोड पर हैं। सीएम के निर्देशानुसार बिलासपुर रेंज आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला और एसपी दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन पर बीते 28 अगस्त को जूटमेल पुलिस ने कोड़ा तराई के पास गांजा रेड की बड़ी कार्रवाई की और इस दौरान बड़े पैमाने में गांजा तस्करी करते एक महिला समेत 5 आरोपी को पकड़ा गया। मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में रायगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 8 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं, जो 3-4 दिन पूर्व एक गांजा की बड़ी खेप जो उड़ीसा से ले जाकर छत्तीसगढ़ के अन्य जिले में जा रही थी, जिसमें 175 किलोग्राम गांजा, 5 आरोपी और 2 गाड़ी जब्त की गई थी। जब इन सभी आरोपी के अकाउंट खंगाले गए तो उसमें करीब 1 से 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ। इसके लिए एक विशेष टीम बनाकर सीए की मदद से पूरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है। ग्वालियर में खुदकुशी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मुरार के एमएस चौराहे के पास रहने वाली एक युवती ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि युवती ने अपने पति से पोहा बनाकर खिलाने की मांग की थी और जब पति ने पोहा बनाकर नहीं खिलाया तो युवती ने दुखी होकर फांसी लगा ली। युवती की अभी हाल ही में शादी हुई थी और उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। मुरार थाने में एक नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड किया गया, क्योंकि घर पर पति अकेला था तो उसने जो सूचना दी है उसमें सूचना में उसके द्वारा बताया गया है कि पत्नी ने उसको कुछ पोहा बनाने के लिए बोला और उसने मना कर दिया, तो इस बात पर नाराज होकर उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा उसने घटना का कारण बताया। मगर चूंकि नवविवाहिता है और नवविवाहिता को गंभीरता से लेते हुए कि जाँच जो है रजिस्टर्ड ऑफिसर हमारे CSP द्वारा की जा रही है और उसमें जो भी तथ्य परिजनों के कथन के आधार पर जो तथ्य आएंगे
उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन यात्रा में दोयम दर्जे के डिब्बों में बाहरी व्यक्ति द्वारा सामान, मोबाइल, पर्स और पैसे छीनने की घटनाएं बहुत हो गई हैं। अब बदमाश स्लीपर क्लास डिब्बों की भी निशाना बना रहे हैं। सतना की 27 साल की महिला अपने 7 महीने के बच्चे और भाई के साथ आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस से रीवा जा रही थी। रात में लगभग 2 बजे के आसपास वो सो रही थी, तभी एक व्यक्ति उसके पास आकर बैठा। उसके बाद उसने बैठने दिया और कुछ देर बाद खिड़की की तरफ से किसी ने हैंडबैग छीना और फरार हो गया, जिसके बाद महिला ने चिल्लाना शुरू किया तो उसके भाई और अन्य यात्रियों ने ट्रेन की चेन पुलिंग की और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। महिला ने बताया कि बदमाश ने उसके 7 महीने के बच्चे को भी छीनना चाहा और वही मामला GRP चौकी सतना में दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्राथमिक तौर पर पैसे और मोबाइल चोरी करने के मामले में मामला दर्ज किया और GRP चौकी में अज्ञात आरोपियों पर BNS की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुरैना में पुलिस ने वैध शस्त्र लाइसेंस को लेकर संदेश दिया है। शस्त्र लाइसेंस धारियों को संदेश दिया गया है कि अपराध किया तो शस्त्र का लाइसेंस निलंबित होगा। वहीं आपको बता दें कि शस्त्रधारियों की ओर से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जाने पर पुलिस संज्ञान ले रही है और 1 साल में 35 से अधिक शस्त्रधारियों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। मुरैना में 27,000 से अधिक वैध शस्त्र लाइसेंस हैं। देखिए, जो जब शस्त्र दिया जाता है उस समय अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है तो उसको शस्त्र देने के लाइसेंस दिए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। यद्यपि अगर किसी को अनुशंसा की गई है जिस समय उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, बाद में उसके द्वारा कालांतर में अपराध किए जाते हैं और जब पुलिस के संज्ञान में आता है तो उसमें लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा एक प्रतिवेदन भेजा जाता है और कलेक्टर साहब के द्वारा उसमें फिर निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इसी तारतम्य में कल 27-8 को 6 लाइसेंस निरस्त कराए गए हैं और विगत 1 साल के दौरान देखें तो लगभग 35 से 40 इस तरह की कार्रवाई हुई है और वो 35 से 40 व्यक्तियों के जो है शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण कराए गए हैं। ग्वालियर में एक पंचायत सचिव की घिनौनी करतूत सामने आई है। पंचायत सचिव ने ट्यूशन पढ़ने पहुंची नाबालिग छात्राओं को बरगला कर कचहरी मैदान में अपने मोबाइल पर अश्लील फिल्म दिखाई, जिसके बाद डरी और सहमी लड़कियों ने घर जाकर ये बात अपने परिजनों से बताई तो बच्चियों के पिता ने अधिकारियों और पुलिस को मामले की शिकायत की। वहीं कलेक्टर ने इसकी जाँच कराकर आरोपी पंचायत सचिव को निलंबित किया और इसके अलावा पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पंचायत सेक्रेटरी राकेश शर्मा, उसने जो है वहाँ पे उन बच्चियों को अकेला देख के उनको एडल्ट मूवी अपने मोबाइल पर दिखाई, बच्चियों घबरा गई और बच्चियों ने घर जाकर जब अपने परिजन को बताया तो परिजनों ने आके कंप्लेंट करी। उनके पिता की रिपोर्ट पर से छेड़छाड़ व पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी जो है पंचायत सेक्रेटरी राकेश शर्मा को आती पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार किया गया है। उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया है। उसके मोबाइल चेक करने पर उसकी चैट हिस्ट्री में एडल्ट साइट मिली है जिसमें उसने बच्चियों को एडल्ट मूवी दिखाई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जाए। ऑनलाइन ठगी जिसके दिन ब दिन तरीके बदल रहे हैं और आंकड़े बताते हैं कि ये खतरा दिन ब दिन गहराता जा रहा है। हाल ही में बालाघाट में ऑनलाइन ठगों ने नया तरीका ढूंढा है और अब ऑनलाइन ठगों द्वारा सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। मैंने बोला कि आप मोबाइल यूज करते हैं? मैंने बोला हाँ यूज करता हूँ ना। तो बोले सब अकाउंट वगैरह इसी मोबाइल से होगा? मैंने बोला हाँ। तो उसने अकाउंट नंबर भी बताया मुझे। मैंने बोला हाँ सर, यही अकाउंट नंबर है। उसके बाद उसने बोला कि सर आप डाटा ऑन कीजिए और जो मैसेज आया होगा, मतलब जो मैंने पैसे ट्रांसफर किया है तो वो देख लीजिए। मैंने बोला हाँ सर। उसके बाद मैंने डाटा ऑन किया और फोन पे जाके देखा तो 3,999 का रिसीव करके मतलब एक मैसेज आया, तो मैंने उसको रिसीव किया। तो बस रिसीव किया, वैसे ही मेरे अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। कितना पैसा कटा आपका? मेरा 3,999 रुपया अकाउंट से
कट। तो उसके बाद कुछ बात हुई आपसे? उसके बाद मैंने बोला सर ये तो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो वो बोला नहीं सर आपके अकाउंट से कैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। मैंने उससे जीत किया, फिर जीत करने के बाद मुझे समझ आ गया था कि ये पैसा तो ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद मैं हमारे जो आशीष ठाकरे जो ऑनलाइन का काम करते हैं उससे मैंने बात किया, तो उन्होंने बोले कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, बस इतनी बात हुई सर। उसके बाद मैंने तो आपके गांव के और लोगों के साथ भी हाँ, उसके बाद इनसे बात हुई मेरी, उसके बाद इन्हीं का कॉल आया कि बोले सर मनोज ठाकरे आपको यही नंबर से कॉल आया था क्या, तो मुझे भी इस नंबर से कॉल अभी आया है, तो मैंने बोला हाँ यही नंबर है। उसके बाद मैं गांव बालाघाट से गांव घर आया, उसके बाद हमें पता चला कि ये नंबर से बहुत मतलब 7-8 लोग को कॉल किया गया है। देखिए ये पहली बार आप लोग के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, मैं इसकी पूरी इंक्वायरी अभी कराता हूँ कि ऐसे कैसे लीक हो रहे हैं और लोगों के पास कॉल्स कैसे आ रहे हैं। फिर भी इसकी मैं जानकारी मतलब आपको निश्चित रूप से पहले मैं अपने लेवल पे इसकी इंक्वायरी करा लूँ, जब मुझे कन्फर्म हो जाएगा कि ये चीज़ है या नहीं है तो फिर मैं आपको निश्चित रूप से इसमें कुछ बता पाऊंगा। अभी मैंने इंक्वायरी के लिए बोल दिया है और इसमें जो भी लोग हैं जिनके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन जाने की संभावना है उनको समझ को मैंने तलब किया है और मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन में पूरी इंक्वायरी करा के जांच हो जाएगी। लेकिन मेरा लोगों से भी अपील है कि ऐसे कोई भी कॉल्स आपके पास आते ही साइबर क्राइम का मामला है एक्चुअली, जैसे आप सबके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉल आता है, हम यहाँ से बोल रहे हैं वहाँ से बोल रहे हैं, आपको हम एक लिंक भेज रहे हैं उस लिंक को आप क्लिक करिए, उसी प्रकार का साइबर क्राइम का मामला लग रहा है। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि पहली चीज तो किसी के झांसे में कोई भी ना आए, किसी को कोई लिंक मांगता है कोई ओटीपी मांगता है तो कृपया किसी के भी झांसे में ना आए। और दूसरा आप अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो चुकी है तो आप इसकी सूचना तुरंत थाने में साइबर क्राइम को दे। किस तरह की घटना घटी है यहाँ पर? यहाँ पे घटना ये घटी है कि 28 तारीख को एक ही दिन में कम से कम ऑनलाइन धोखाधड़ी का 6-7 लोगों को फोन आया है एक ही नंबर से आपके गांव खुटिया में, ग्राम खुटिया में, और यही पूछा गया है कि आप डिलीवरी के संबंध में ही आया है कॉल की, वहीं पे पूछा गया है कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि आशीष ठाकरे आपका नाम है, तो मैंने कहा हाँ, आपकी पत्नी का नाम प्रतिमा ठाकरे, हाँ आपके बच्चे कुल मिलाके पूरी जानकारी उन्होंने बताया। वो पूरी जानकारी जो स्वास्थ्य विभाग को हम देते हैं मातृ वंदना के तहत में डिलीवरी के पैसे के लिए, वो जानकारी टोटल उनके पास जा चुकी है, उनने यहाँ हैक किया होगा स्वास्थ्य विभाग का सॉफ्टवेयर को या कोई ना कोई आदमी आपसे मिला होगा जो उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। कि 28 तारीख को मैं जबलपुर से रिटर्न आ रहा था, उस टाइम पे मेरे वाइफ के नंबर पे कॉल आया और बोला कि मतलब ये आपकी बेटी का नाम चारू हो गया, उसकी हमारी वाइफ ने मुझे मोबाइल दे दिया, तो जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि चारू आपकी बेटी का नाम है, उसका आधार कार्ड के लास्ट डिजिट ए है, जो भी नंबर मैंने बोला हाँ सर यही है, उन्होंने बोला कि सर आपको मतलब मैंने जो डिलीवरी की योजना का फायदा मिला कि नहीं, तो मैंने बोला मिला मुझे 10,000 रुपये मुझे मिला था, बोले नहीं आपके अकाउंट अरे मतलब आपको 20,000 रुपये मिलने का था मगर आपको 10,000 दिया गया, तो अभी आपको मैं 5,599 रुपये का ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब मुझे वो मैसेज आया तो मैंने मैसेज को देखा तो वो मैसेज नॉर्मल मैसेज नहीं था, मतलब जो अकाउंट से जैसे पैसा कटता है आता है जो मैसेज आता है उस टाइप का मैसेज नहीं आया, तो मैंने कॉल को डिस्कनेक्ट करके तुरंत आंगनबाड़ी वाली मैडम से डिस्कशन किया, तो उन्होंने बताया कि फर्जी वाला का कॉल है। जिले में इन दिनों साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और देखा जा रहा है कि साइबर ठग विभिन्न तरीके से लोगों के पैसे निकालते हैं और उन्हें लूटते रहते हैं, और अब कई जगहों पे ये भी देखा गया है ओटीपी आती है, और आजकल तो ये भी देखा जा रहा है कि ओटीपी नहीं भी आती है और अकाउंट से पैसा निकल जाता है। लेकिन अभी साइबर ठगों ने एक नई तरकीब निकाली है कि सरकारी जो पैसे होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा गरीबों के खाते में राशि डाली जाती है उस पर भी सेंधमारी चालू कर दी है और कई लोगों का पैसा आज तक उनके खाते में न जाकर यह बाहर चला गया है। रूपेश श्रीवास्तव, NDTV बालाघाट। मध्य प्रदेश में डेंगू की दस्तक के बाद नर्मदापुरम में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले एक महीने में करीब 20 से 22 मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं। और वहीं माखन नगर के एक व्यापारी विजय सोनी की मौत भोपाल के निजी अस्पताल में फीवर की वजह से हो चुकी है। जिले के पिपरिया अस्पताल में वायरल फीवर और डेंगू के मरीजों में इजाफा हुआ है। सिविल अस्पताल में तो हर दिन 60 से 70 बुखार से पीड़ित मरीज पहुँच रहे हैं जिनकी ब्लड प्लेट्स
कम आ रही हैं। उधर मलेरिया अधिकारी के अनुसार एलिजा टेस्ट में जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है। मेरे भाई को बुखार आया, बावे में स्वास्थ्य केंद्र में समुचित व्यवस्था ना होने के कारण उनको भोपाल ले गया। भोपाल ले जाने के पश्चात उनको डेंगू पॉजिटिव पाया गया। अभी अगस्त में इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहा है, एक्चुअली हम लोग 100 टेस्ट के आसपास कर चुके हैं, उसमें 20 लोगों के अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव आया है एक्चुअली, और उसको हम लोग गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर चुके हैं सारी चीज़ें। गवर्नमेंट भी काफ़ी सचेत है इसके लिए और गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है। वहाँ की टीम भी आई हुई थी, वो पर्टिकुलर बोल रहे थे कि सर हम लोगों को पर्टिकुलर पेशेंट्स के बारे में भी इन्फॉर्म करते रहिए जिससे कि हम लोग उसके रोकथाम के लिए इंतजाम कर सकें। कल तक जो हमारी डेट थी वहाँ पर जो कन्फर्म एलिजा मरीज हैं उनकी संख्या 47 है, और मैं सबसे पहले सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि मच्छरों से बचाव के जो तरीके हैं उनको अपनाया जाए। मच्छर, ये डेंगू बुखार जो है एडीज नाम के मच्छर से फैलता है जो कि साफ पानी में पनपता है। ये साफ पानी हमारे घरों में उपलब्ध होता है, हमारे घर के अंदर जो कूलर है उसमें ये लार्वा मिलता है। इसके अलावा जो सीमेंट की टंकी है, कंटेनर है, ड्रम है, छत पे पड़ा हुआ सामान है, छत के ऊपर जो ओवरहेड टैंक होता है, इन सब में जो है ये लार्वा पनपता है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि कम से कम हफ्ते के में एक बार घर के पूरे पानी को, जो भी आपके खुले में पानी जमा है उसको अलग कर दें, घर के पानी को अलग कर दें और उसको रगड़ के साफ करें ताकि उसके अंडे नष्ट हो जाएं, और कोई भी खुला पानी जमा ना करें। नर्मदापुरम में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, इसके साथ ही वायरल फीवर का भी देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त एक निजी चिकित्सक के घर पे मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो है मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों के पास वायरल फीवर के केस ज़्यादा पहुँच रहे हैं जिनमें ब्लड प्लेट्स कम हो रही हैं और डेंगू का एक अंदेशा जताया जा रहा है। इसके साथ ही अगर जिले के शासकीय आंकड़ों की बात करें तो अब तक 22 केस मिल चुके हैं डेंगू पॉजिटिव के। इसके अलावा यदि प्राइवेट जो पैथोलॉजी हैं उन्हें भी अगर जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा निश्चित रूप से और बढ़ेगा और ये एक चिंता का विषय है। संजय दुबे, नर्मदापुरम, NDTV। बलरामपुर में छात्रावास में शिक्षण संस्था संचालित की जा रही है जहां बच्चों के रहने की व्यवस्था है, वहां बच्चों की पढ़ाई के लिए कक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में अब वो छात्र परेशान हैं जो रोज करीब 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करके कॉलेज पहुंचते हैं। दरअसल विकासखंड के कुसमी का ITI कॉलेज छात्रावास भवन में संचालित किया जा रहा है और ऐसे में छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि छात्र कॉलेज में पढ़ने के लिए दूर दूर से इलाकों से आते हैं और छात्रावास ना होना छात्रों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। मेरे को 2 साल से बैठा दिया गया था, उसके बाद अभी भी मार्च में ज्वाइनिंग किया। हमारे बच्चे लोग हैं कि अब एडमिशन तो बहुत होता है, हमारे पास सिटिंग चार्ज है 196 बच्चों का, है ना। उसमें से अब हमारे पास लेब का थोड़ा सा कमी है, इंस्ट्रूमेंट की कमी है ना, ये सब सुविधाएँ हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमारे पास मोटर तो बहुत है लेकिन उसको हम लोग इस्टीमेट नहीं बना पा रहे हैं। इस्टीमेट नहीं बना रहे मतलब हम बच्चे लोग उसको प्रैक्टिकल करा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ वायरों की कमी है, कुछ और बहुत सारी समस्या है। यह मामला कुछ दिनों पहले ही जो है संज्ञान में आया था और इसके संबंध में PWD विभाग के अधिकारियों से पता करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि भवन का निर्माण जो है पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन वर्तमान में जो है ENDM का जो कार्य है, विद्युत का कार्य है जो है वो अपूर्ण है। वर्तमान में वह टेंडर प्रक्रिया में है जिसके कारण भवन का हस्तांतरण संबंधित विभाग को नहीं किया जा सका है। इस कारण से अस्थायी रूप से अभी वर्तमान में जो है छात्रावास में ITI कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। बलरामपुर जिले के एक ऐसे छात्रावास के बारे में आज हम आपको बताएंगे जहां पिछले 6 सालों से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। जी हाँ, अमूमन छात्रावास का नाम सुनते ही लोगों के जहन में यही आता है या लोग यही जानते हैं कि छात्रावास में बच्चे रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 196 बच्चों को यहाँ पर व्यवस्थाओं के अभाव में रहकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिशियन करने आया हूँ लेकिन यहाँ पास कुछ सुविधा नहीं है पढ़ने का, वो इतना तक वायर भी नहीं है प्रैक्टिकल करने का, खुद से खरीद के यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं।
और यहाँ हम लोग का छात्रावास है, यहाँ रहने का स्थान है, बट यहाँ हम लोग का क्लास चल रहा है। इसलिए थोड़ा हम निवेदन करते हैं कि वो बड़ा आईटीआई चालू करवाने का कुछ कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ का समस्या मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम लोग यहाँ बहुत सारे बच्चे आईटीआई में पढ़ते हैं, तो देखा जा रहा है कि यहाँ हम लोग छात्रावास में सभी रह के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बगल में नया भवन तैयार नहीं हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ बहुत तकलीफ़ हो रही है सर, क्योंकि छात्रावास है तो यहाँ छोटा छोटा रूम है और ऐसे में हम लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ हम दूर से आते हैं एक तो, फिर यहाँ आईटीआई भवन पे तो जाते नहीं हैं, छात्रावास में एक तो भेजते हैं, मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें से प्रैक्टिकल का कुछ सामान नहीं है, फिर छत भी टपकती है, जब बारिश होता है तो हम लोग को बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, अब प्रैक्टिकल का कुछ सामान ही नहीं है, कंप्यूटर वालों का तो है, वो भी दो चार कंप्यूटर है, उसमें से सब खराबी हो जा रही है, तो उसमें से कैसे हम कर पाएंगे, और इतना दूर से आते हैं तो, और आईटीआई भवन में तो ले जाने के लिए तो यहाँ छात्रावास में काहे कुछ ट्रेनिंग देते हैं, उसको तो बनवा के बस छोड़ दिए हैं, उस पर हम लोग को जाना है, प्लस में छात्रावास में आना नहीं है, एक तो प्रैक्टिकल का सामान नहीं है तो प्रैक्टिकल तो हो नहीं रहा है, हम लोग फालतू काहे आते हैं, फिर आईटीआई ही बंद करा देना इससे अच्छा। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर पढ़ने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को बगैर व्यवस्था या फिर आवश्यक उपकरण के पढ़ाई में कितनी दिक्कत हो रही है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग कब तक इनकी मांगों को सुनता है और नया भवन इन्हें उपलब्ध करवाता है। विजेंद्र कुमार, NDTV, बलरामपुर।